हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हमने क्लास 10th के हिस्ट्री बुक के सेकंड चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना का सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के सामने आए हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द डाइलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं द डाइलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन का हिंदी एक्सप्लेनेशन, औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद सिर्फ आर्थिक शोषण पर ही केंद्रित नहीं था, इसके पीछे सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे, उसी तरह फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है, और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि ये सारी चीजें आधुनिक विकास को रोकती हैं। देशी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफी अहम माना जाता था, लेकिन वियतनाम में शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों को एक और दुविधा हल करनी थी। दुविधा इस बात को लेकर थी कि वियतनामियों को किस हद तक या कितनी शिक्षा दी जाए। फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की जरूरत तो थी, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से समस्याएं भी पैदा हो सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे। इतना ही नहीं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को तो यह भी भय था कि स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां भी हाथ से न जाती रहे। इन लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार तो कोई पुलिस वाला था, इसलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का विरोध करते रहते थे। टॉकिंग मॉडर्न, आधुनिक सोच, शिक्षा की भाषा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का समाधान करना पड़ा। वियतनाम के धनी और अभिजात तबके के लोग चीनी संस्कृति से गहरे तौर पर प्रभावित थे। फ्रांसीसियों की सत्ता को पूरी बनाने के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना जरूरी था। फलस्वरूप पहले उन्होंने परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से तहस नहस किया, और फिर वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल दिए गए। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। अब तक समाज के खाते पीते तबके के लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे हटाना बहुत ही जरूरी था। लेकिन उसकी जगह लेने वाली भाषा कौन सी हो? चीनी भाषा को हटाकर लोगों को वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए या उन्हें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए, ये सभी अभी पूरी तरह लोगों के जेहन में घूम रहे थे। इस सवाल पर लोगों के बीच दो मत थे। कुछ नीति निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी भाषा सीखने से वियतनाम के लोग फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएंगे। इस प्रकार यूरोपीय फ्रांस के साथ मजबूती से बंधे एक एशियाई फ्रांस की रचना करने में मदद मिलेगी। वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावनाओं व आदर्शों का सम्मान करने लगेंगे, फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता के कायल हो जाएंगे और फ्रांसीसियों के लिए लगन से काम करने लगेंगे। बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ थे कि पढ़ाई के लिए केवल फ्रांसीसी भाषा को ही माध्यम बनाया जाए। उनका विचार था कि अगर छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वे तो यहाँ तक चाहते थे कि जो थोड़े से लोग फ्रांसीसी सीख लेंगे और फ्रांस की संस्कृति को अपना लेंगे, उन्हें फ्रांस की नागरिकता भी प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन स्कूलों में दाखिल लेने की ताकत तो वियतनाम के धनी वर्ग के पास ही था। यह देश की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा था जो स्कूल में दाखिल ले पाते थे। उनमें से भी बहुत थोड़े से विद्यार्थी ही ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था, ताकि वे अच्छी नौकरी के लिए योग्यता प्राप्त न कर सकें। आमतौर पर दो तिहाई विद्यार्थियों को इसी तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाली की संख्या सिर्फ 400 से भी कम थी।
स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान किया जाता था और औपनिवेशिक शासन को ही सही बताया जाता था। वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था, जो शारीरिक श्रम तो कर सकते हैं लेकिन बौद्धिक कामों के लायक वे लोग नहीं हैं। वे खेतों में काम तो कर सकते हैं लेकिन अपना शासन खुद नहीं चला सकते। वे माहिर नकलची तो हैं पर उनमें रचनशीलता नहीं है। स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता था कि वियतनाम में केवल फ्रांसीसी ही शांति कायम कर सकते हैं। जब से वियतनाम में फ्रांसीसी शासक की स्थापना हुई है, वियतनामी किसान डाकुओं के भय से आज़ाद हो गए हैं। चारों तरफ अमन चैन है और किसान दिल लगाकर काम भी कर रहे हैं। लुकिंग मॉडर्न, आधुनिक दिखने की चाह। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टॉकिंग फ्री स्कूल खोला गया था। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल की गई थी। इस स्कूल की नज़र में आधुनिक के क्या मायने थे, इससे उस समय की सोच को अच्छी तरह समझा जा सकता है। स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों को शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिमी लोगों के जैसा ही दिखना पड़ेगा। इसलिए यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। मसलन बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। इस अमूल परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्पष्ट करने वाला एक बाल कटाई श्लोक तक गढ़ लिया गया था। बाएं हाथ में कंघा थामे, दाएं हाथ में कैंची, कचकच कपच कपच खबरदार ख्याल रखो, वाहियात आदतें छोड़ दो, बच्चों जैसा क्यों करते हो, मुंह खोल कर बोलो बेधड़क, पश्चिमी तौर तरीके तुम सीखो। इस तरह से यह श्लोक पढ़ा जाता था। रेसिस्टेंस इन स्कूल, स्कूलों में विरोध के स्वर। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इन पुस्तकों और पाठ्यक्रमों का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं किया। कहीं इसका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया। जैसे जैसे छोटी कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, इस बात पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता गया कि उन कक्षाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदल कर पढ़ाने लगते थे और जो उनमें छपा होता था उसमें वे लोग थोड़ी बहुत बदलाव भी कर देते थे। 1926 में साइगान नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठकर पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया, क्योंकि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक क्लोन था, क्लोन मतलब यानी उपनिवेश में रहने वाला फ्रांसीसी। उसने लड़की को स्कूल से निकाल दिया। जब दूसरे विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद तो यह विवाद और भी फैल गया। लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे, हालत बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला तो दे दिया लेकिन साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। वाह, तुम लोग मुझे वापस भिजवाना चाहते हो, अच्छी तरह गांठ बांध लो। जब तक एक भी वियतनामी कोचिन चाइना में बसने की जरूरत करता रहेगा तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। दूसरे इलाकों में भी छात्र छात्राओं ने सरकार की इस चाल का जमकर विरोध किया कि वियतनामी बच्चों को सफेदपोश नौकरियों के लायक योग्यता न मिले। यह विद्यार्थी देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित थे। उनको विश्वास था कि शिक्षित को समाज के भले ही काम करना चाहिए, भले के लिए काम करना चाहिए। उनकी इसी सोच के कारण न केवल फ्रांसीसियों के साथ बल्कि स्थानीय अभिजात वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों को ही लगता था कि इस तरह तो उनकी हैसियत और सत्ता बिल्कुल ही खतरे में पड़ जाएगी। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। उन्होंने यौंग अन्नान जैसी पार्टियां बना ली थी और वे अन्नानीज स्टूडेंट जैसे पत्रिकाएं भी निकालने लगे थे। पाठशालाएं राजनीतिक संस्कृति संघर्ष के अखाड़े में तब्दील होने लगी। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में थे। वे जनता की मूल्य मान्यताओं,
तौर तरीकों और रवैयों को बदलने का प्रयास करने लगे, ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामियों को कमतर मानने लगे। दूसरी तरफ वियतनामियों बुद्धिजीवी को लगता था कि फ्रांसीसियों के शासक में वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर बल्कि अपना नियंत्रण बिल्कुल तरह ही खोता जा रहा है, बल्कि अपनी पहचान भी गंवाता जा रहा है। उसकी संस्कृति और मूल्यों का अपमान किया जा रहा था और लोगों में राजा प्रजा वाला भाव पैदा हो रहा था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाले व्यापक संघर्ष का हिस्सा बन चुका था। इसका अगला टॉपिक है हाइजीन डिजीज एंड एवरीडे रेसिस्टेंस, साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध। उपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसे राजनीतिक संघर्ष सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं चल रहे थे, बहुत सारे दूसरे संस्थान में भी गुलाम जनता विभिन्न प्रकार से अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे थे। प्लेग स्ट्राइक्स हैनोई, हैनोई पर प्लेग का हमला। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य और साफ सफाई का उदाहरण लेकर। जब फ्रांसीसियों ने एक आधुनिक वियतनाम की स्थापना का काम शुरू किया तो उन्होंने फैसला लिए कि वे हनाई का भी पुनर्निर्माण करेंगे। एक नए आधुनिक शहर का निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सामने आ रहे नवीनतम विचार और आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता का इस्तेमाल किया गया। 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई। बहुत सारे औपनिवेशिक देशों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनके कारण भारी सामाजिक तनाव भी पैदा होने लगा, परंतु हनोई के हालत तो कुछ खास ही थे। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहां चौड़ी सड़कें थी तथा निकासी का बढ़िया इंतजाम था। देसी बस्ती में ऐसी कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। पुराने शहर का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। भारी बरसात या बाढ़ के समय तो सारी गंदगी सड़कों पर ही तैरने लगती थी। असल में प्लेग की शुरुआत ही उन चीजों से हुई थी जिनको शहर के फ्रांसीसी भाग में स्वच्छ परिवेश बनाए रखने के लिए लगाया गया था। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे। यही सीवर चूहों के पनपने के लिए भी आदर्श साबित हुए। यह सीवर चूहों के निर्वाह आवाजाही के लिए भी उचित थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटक घूमते थे और वे इन्हीं पाइप के रास्ते चूहे फ्रांसीसी के चाक चौबट घरों में घुसने लगे। अब लोग क्या करें? द रैट हंट, चूहों की पकड़ धकड़। इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। इस काम के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया और उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। हजारों की संख्या में चूहे पकड़े जाने लगे। उदाहरण के लिए 30 मई को 20,000 चूहे पकड़े गए। इसके बावजूद चूहे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। वियतनामियों को चूहों के शिकार की इस मुहिम के जरिए सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझ में आने लगा था। जो लोग सीवर की गंदगी में घुसकर काम करते थे उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाए तो बेहतर मेहनताने के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने इस स्थिति से फायदा उठाने के लिए एक से एक नायाब तरीके भी ढूंढ निकाले। मजदूरों को पैसा तब मिलता था जब वे यह साबित कर देते थे कि उन्होंने चूहे को पकड़कर मार डाला है। सबूत के तौर पर उन्हें चूहे की पूंछ लाकर दिखानी पड़ती थी। इस प्रावधान का फायदा उठाते हुए मजदूर ज्यादा पैसा कमाने के लिए चूहों को पकड़कर उसकी पूंछ तो काट लेते थे पर चूहे को जिंदा छोड़ देते थे ताकि वे कभी खत्म ही न हो और उनको पकड़ने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। कुछ लोगों ने तो पैसे कमाने के लिए बाकायदा चूहे पालना भी शुरू कर दिया था। निर्बलों के इस प्रतिरोध और असहयोग से तंग आकर आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसे देने की योजना ही बंद कर दी। लिहाजा ब्यूबोनिक प्लेग खत्म नहीं हुआ। न केवल 1903 में बल्कि अगले कुछ साल तक यह बीमारी पूरे इलाकों में फैल गई थी। चूहों के आतंक की यह कहानी कई मायनों में फ्रांसीसी सत्ता की सीमा और सभ्यता प्रसार के उनके मिशन में निहित अंतर विरोध के सामने ला देती थी। चूहे पकड़ने वालों की हरकत से हमें पता चलता है कि वियतनाम के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उपनिवेशवाद का किस किस तरह से विरोध कर रहे थे। इसका अगला टॉपिक रिलीजन एंड एंटी कॉलोनिज्म, धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे।
इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।